नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। गुजरात के मोरबी में केवल पुल टूटने से दर्दनाक हादसा हुआ था। देश और विदेश के दिग्गज नेताओं ने हादसे पर दुख जताया था। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मोरबी जाएंगे, पुल हादसे में मृतकों के परिजनों से पीएम मिलेंगे। इसके अलावा मोरबी सिविल अस्पताल का दौरा भी करेंगे, साथ ही घायलों का हालचाल भी जानेंगे। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। वहीं आपको बता दें कि आज पीएम मोदी गुजरात के मोरबी पहुंचेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज पीएम मोदी मोरबी पहुंचेंगे। जी मयूरी, ये गुजरात का जो हादसा है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शोक की लहर बनी हुई है। सोमवार को ये जो हादसा रविवार की शाम को हुआ, उसको लेकर सोमवार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग अधिकारियों और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ की थी। वहीं इस समय प्रधानमंत्री मोदी जो है पहले से ही गुजरात की यात्रा पे हैं, और कल की अपनी गुजरात की यात्रा के बनासकांठा में जब वो थे तो मोरबी हादसे को जिक्र करके वो भावुक हो चुके। आज इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी का दौरा करेंगे। संभवतः दोपहर 3 बजे वो मोरबी जाएंगे, वो घटनास्थल का भी निरीक्षण करेंगे, घटनास्थल पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो हादसे में घायल लोगों और जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों से मिलेंगे और उनसे मिलके जो है हर संभव मदद करने को तैयार हैं, जिसके लिए उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और हर प्रकार की सहायता के लिए सरकार भी उनके साथ खड़ी हुई है। अस्पतालों का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जहां पे वो उनके परिजनों को ढांढस और सांत्वना देते हुए नज़र आ सकते हैं। वही दूसरी बात कहा जाए तो कल ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ बैठक की थी, और आज भी जो है इस पे चर्चा हो सकती है, एक हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। और कल क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा हो चुकी थी, आज भी एनडीआरएफ की टीमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाएंगी और इस दौरे के बाद जो है एक और जो है हाई लेवल मीटिंग अधिकारियों और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। मयूरी, विवेक, पीएम मोदी घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। जी मयूरी, अस्पतालों के निरीक्षण के बाद, घायलों से मुलाकात के बाद, मृतकों के परिजन से मुलाकात के बाद वो घटनास्थल पर जाएंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बड़ा हादसा जो है ये ब्रिज के केबल सस्पेंशन टूटने से हुआ था। जहाँ तक अब तक जो आधिकारिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो कुल 141 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कुल 500 लोग पुल पर मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं, 141 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वही अगर देखा जाए तो इसके बाद वो घटनास्थल का भी निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपने अधिकारियों को निर्देश देके हाई लेवल मीटिंग के माध्यम से निर्देश देंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा करेंगे। आज एक और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लापता लोगों की तलाश में निकाला जाएगा, जिसकी वो खुद समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मैं मयूरी आपको बता दूं कि ये जो हादसा है इससे देश में एक शोक की लहर जो है वो बड़ी ही तेजी से चल पड़ी है। यहाँ तक कि राजकीय शोक जो है 2 दिन का गुजरात में घोषित कर दिया गया है, और पूरे 2 दिन तक जो है राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा जो है आधा इस राजकीय शोक की वजह से झुका भी रहेगा। वही अगर बात की जाए विपक्ष के नेताओं की, तो सभी विपक्ष के नेताओं ने इस हादसे पे अपना अपना शोक जताया है। लेकिन देखें तो विदेश के दिग्गज नेताओं ने भी हादसे पर दुख जताया है। जी बिल्कुल, देश के तमाम बड़े नेताओं के बाद विदेश में भी ये जो हादसा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हो गई, वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो गई, नेपाल के प्रधानमंत्री हो गए, या फिर रसिया के राष्ट्रपति
जो है व्लादिमीर पुतिन हो गए, सभी ने इस हादसे पे अपना दुख व्यक्त किया है। सभी ने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए है। इस कठिन समस्या में हम गुजरात सरकार और भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो इस समय ये जो हादसा है वो ग्लोबली तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। हर बड़ा नेता भारत के समक्ष खड़ा दिख रहा है, हर बड़ा नेता अपना दुख व्यक्त कर रहा है गुजरात के हादसे में पीड़ितों, मृतकों और घायलों के प्रति। वहीं अगर देश के कुछ बड़े नेताओं की बात की जाए तो राहुल गांधी ने इसको लेकर एक अपना बयान दिया था कल कि वो इस हादसे पे ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस पीड़ितों, घायलों और मृतकों के परिजनों के प्रति उनकी संवेदना है। और किसी के प्रति कुछ ना बोलते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर किसी पार्टी या किसी के खिलाफ कुछ न बोल के इस हादसे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूँ। मेरी सांत्वना, मेरा दुख, मेरा शोक उन पीड़ित परिवारों की तरफ है जो इस हादसे का शिकार हो गया था। विवेक, इस पूरे हादसे में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं राज्य में शोक, राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। जी मयूरी, आप बता दें कि ये जो कंपनी थी जिसको रिनोवेशन का काम मिलना था, ये काम उसको 12 महीने के अंदर ख़त्म करना था, कम से कम 8 महीने और अधिक से अधिक 12 महीने के अंदर इस रिनोवेशन को ख़त्म करना था। लेकिन कंपनी ने आनन फानन में बेहद ही लापरवाही से 7 महीने में ही इसका रिनोवेशन जो है वो करके इस ब्रिज को ओपन कर दिया था। लोगों के लिए 17 रुपये का टिकट था, कम से कम 150 लोगों की आवाजाही के लिए ये पुल बना हुआ था कि एक बार में 150 लोगों की उपस्थिति यहाँ हो सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो रविवार को पर्व के दिन 500 लोगों की भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठी हुई थी। 17 रुपये की टिकट थी या 500 लोगों की भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी थी, ओरेवा कंपनी बताई जा रही है, जिसको रिनोवेशन का जिम्मा मिला था, उसके मैनेजर सहित कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है मयूरी। और इतना बड़ा हादसा है ये, इतनी बड़ी त्रासदी है पूरे गुजरात के लिए और पूरे देश के लिए कि विदेशी नेता भी जो है वो ग्लोबल लीडर भी है, इस हादसे अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। गुजरात में 1 नवंबर और 2 नवंबर को राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और इसी राजकीय शोक के साथ राष्ट्रीय ध्वज जो है भी है वो आधा झुका हुआ रहेगा मयूरी। धन्यवाद विवेक तमाम और दूसरी बात जो है विपक्षी जो है इस यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। चुनावी जनसभा में सीएम योगी हुंकार भरेंगे। खासकर सीएम योगी की रैलियों के लिए यूपी से आईपीएस अधिकारी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं चुनावी जनसभाओं का सही ढंग से पूरा कराने के लिए अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। रैली की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अधिकारी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें सीएम योगी की रैलियों के लिए यूपी से आईपीएस अधिकारी भेजे जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस वक्त अगर भारत की राजनीति में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से अलग अलग राज्यों के अलावा राज्यों में भी उनकी मान बढ़ी है। हाल फिलहाल में हम देखें तो वो जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहां बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं।
वहीं आपको बताएं कि हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर को कोला सीट पर उपचुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके ठीक बाद योगी आदित्यनाथ हिमाचल चुनाव के प्रचार में रुख करेंगे। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ 8, 9 और 10 नवंबर को हिमाचल में 10 से अधिक रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। साथ ही साथ हिमाचल की अगर बात करें तो 68 विधानसभा सीटों वाली है हिमाचल प्रदेश, जो कि कभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता रिपीट होते हुए कमी नजर आती है। अगर बात की जाए तो हिमाचल के अंदर में किसी राजनीतिक दल को एक बार मौका मिलता है, अगली बार माना ही जाता है कि वहां की जनता सरकार रिपीट नहीं करती है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव में योगी आदित्यनाथ के एक मांग को देखते हुए उन्हें हिमाचल चुनाव में बुलाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो कि माना ही जा रहा है कि वहां 2 रैली करेंगे। साथ ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल जाकर और अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने की बात कहेंगे और उनसे कहीं ना कहीं समर्थन की मांग करेंगे। वहीं आपको बताएं कि अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ की छवि आज जो है वो एक साफ और कहीं ना कहीं ईमानदार नेता के तौर पर है। और देखा जाए तो उनका जो क्रेज है वो यूपी से बाहर अब देश विदेशों में भी देखने को मिल रहा है, तो इसको देखते हुए सुरक्षा की भी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं चूक ना हो, इसके लिए हिमाचल के अंदर में उत्तर प्रदेश से अधिकारी जाएंगे, आईपीएस जाएंगे, जो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। वही अगर बात की जाए तो जो भी 10 रैलियां होंगी उसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारी वहां सुरक्षा देते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि डीआईजी बैंक के 3 अफसर हिमाचल प्रदेश जाएंगे योगी आदित्यनाथ के साथ, जहां जो भी वैली होगी उसके पहले वेटी करना, साथ ही साथ वैली स्थान पर सभी सुरक्षा के जो जिम्मेदारियां होती है उसको निभाना। साथ ही साथ आपको बताएं कि माना ये जा रहा है कि डीआईजी बैंक के अधिकारी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हिमाचल जाएंगे। वही आपको बताएं कि जहां हिमाचल के अंदर में देखें तो जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधे मुकाबला देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के जहां भी वो दौरे किए हैं, चाहे बात की जाए हैदराबाद के निकाय चुनाव में, वहां भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। बंगाल के विधानसभा चुनाव में बात करें तो वहां पे भी 2 सीटों से और कहीं ना कहीं देखें तो दहाई की सीटों तक पहुंची थी और प्रमुख विपक्षी दल बनी थी भाजपा, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है वो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी है, और कार्यकर्ताओं की मांग पर योगी आदित्यनाथ अब हिमाचल चुनाव प्रचार में जाएंगे। विवांशु, बीजेपी पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही है हिमाचल चुनाव को लेकर, वहीं सीएम योगी की रैलियों के लिए यूपी से आईपीएस अधिकारी जाएंगे, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं भी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 8 से 8, 9 और 10 यानी कि 3 दिवसीय हिमाचल के चार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के डीआईजी अफसर के लेवल के अधिकारियों में होगी। अगर बात की जाए तो डीआईजी लेवल के अधिकारी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, क्योंकि पूर्व में अलाहाबाद के कमिश्नर रहे हैं, उन्हें माना ये जा रहा है कि उनकी अगुवाई में सभी अधिकारी जाएंगे और सूबे के मुख्यमंत्री के जहां जहां जनसभाएं होंगी, जहां वो प्रचार के लिए जाएंगे, उनके सुरक्षा का पूरा उनके द्वारा इंतजाम किया जाएगा। अगर बात की जाए तो देश के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 61 सीटों वाली विधानसभा राज्य में जा रहे हैं, जहाँ 68 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कोई चूक ना हो। साथ ही साथ सीएम योगी जो की एक 24 करोड़ की जनसंख्या वाले मुख्यमंत्री हैं, साथ ही अगर उनके कद को देखें तो हाल फिलहाल में काफी बड़ा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता माने से एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय उनका क्रेज को देखते हुए उन्हें अन्य जगहों को बुलाया जा रहा है, तो सुरक्षा के भी इंतजाम को देखना होगा। मयूरी, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया गया है, जो सीएम की सिक्योरिटी होती है वो सीएम के पहुंचने से ठीक पहले पहुंच जाएगी और वहां जाकर सुरक्षा के इंतजाम और तमाम जो इंटेलिजेंस होते हैं उसके माध्यम से वहां जाकर
सिक्योरिटी डिप्लॉय होगी। 8 नवंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमांचल पहुंचेंगे, वहां जाकर वो 10 सभाओं के समर्थित अपना संबोधन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। तो इसमें माना ये जा रहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश की जो सिक्योरिटी है उनके तमाम दस्तावेजों को, वो तमाम उपकरण को उपयोग करती है। चाहे बात की जाए तो हमने देखा कि जब सूबे के मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास उत्तराखंड गए थे तो ड्रोन कैमरे से उनके निगरानी रखी जा रही थी, किसी चोटी से कुछ अनैतिक ना हो। साथ ही साथ बात की जाए तो सड़कों पर, विशेष वन पहाड़ों पर अगर देखे तो वन वे के तौर पर बनाया जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाए वहाँ जाम या फिर कोई भी अनैतिक ना हो पाए, इसको लेकर अधिकारी पहले से आश्वस्त कर चुके हैं। और अगर बात की जाए तो सुरक्षा के उनके जाने के समय तमाम जो इंतजामात होते हैं वो कर लिए गए हैं और सीएम के साथ 3 DIG स्तर के अधिकारी हिमाचल चुनाव में जाते हुए नजर आएंगे सुरक्षा की दृष्टि को। जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण बदला जा सकता है। 522 शहरी निकायों में आरक्षण बदल सकता है। बता दें कि मेयर चेयरमैन की कुर्सी का आरक्षण बदल सकता है, पर यहां आबादी में बदलाव है, वहां नए सिरे से आरक्षण तय होंगे। 241 शहरी निकायों में आरक्षण निर्धारण नए सिरे से होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण बदला जा सकता है। जी मयूरी, आपको बता दें कि अभी अगर बात करें तो आज से बीते, अगर देखें तो बीते दिनों कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें नगर विकास प्रस्ताव को जो नगर विकास मंत्री है के शर्मा उनकी तरफ से प्रस्तावित किया गया, उसमें परसीमन को लेकर कैबिनेट की सहमति बनी। उसके बाद उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से ठीक पहले परसीमन शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताया कि जनवरी में कार्यकाल खत्म होगा, उससे ठीक पहले माना जा रहा है चुनाव हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो वहीं आपको बताया कि अब परसीमन से ठीक पहले जो नगर निकाय विभाग है उनकी तरफ से कहा गया है कि कई सीटों पर आरक्षण जो है उसमें बदलाव होंगे और जो सीटें होती हैं जो पहले से सुरक्षित होती है या किसी जाति विशेष समुदाय के लिए आरक्षित होती है उसमें बदलाव होते हुए नजर आएगा। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के 522 शहरी निकायों में आरक्षण के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखा गया तो 5 सालों के अंदर में कहीं ना कहीं आबादी में बदलाव हुआ है और जहां जिस आबादी का संख्या ज्यादा होगा वहां उसे फायदा मिलते हुए नजर आएगा। अगर बात करें तो इससे जो तत्कालीन मेयर है या रनरअप है या जो चेयरमैन है उनकी कुर्सी खतरे में नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो अगर वहां पर कोई सीट अगर जो SC ST के लिए रिजर्व हो गई और फिलहाल में OBC या जनरल से कोई वहां पे चेयरमैन या अध्यक्ष है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आरक्षण के चलते जो सीटें हैं उसमें बदलाव होगी तो लोग फिर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही आपको बताएं कि शासन की तरफ से तलब करके पिछली बार का जो आरक्षण का उसका ब्यूरो मांगा गया है कि क्या बदलाव किए जाएंगे और क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कैसे इस बार का चुनाव होगा। और इन सभी चीजों से ये भी साफ हो रहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव के, वही अगर बात की जाए तो 241 शहरी निकायों पे जो आरक्षण निर्धारित करके नए सिरे से होगा निर्माण। तो इसपे साफ तौर से हम कह सकते हैं जिन सीटों पर तत्कालीन जो मेयर होंगे उनकी कुर्सी खतरे में नजर आती है और जिन सीटों पर जो भी निकाय की, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, जहां संख्या में बदलाव आए होंगे या जहां जिन किसी जात विशेष समुदाय की संख्या में इजाफा होते हुए नजर आया होगा वहां अध्यक्ष उस जात बिरादरी का मिलते हुए नजर आएगा। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए।
अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।